Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the MHN 2nd BSc Nursing 6th semester important question for final exams. Okay, so I have done the unit wise questions. You can identify easily. So unit one, number one is nursing management of a patient with substance use disorder. Okay, तो short questions कौन कौन से इसमें से आ सकते हैं ये देख लेते हैं. Substance abuse important है. ड्रग अब्यूज़ या टाइप्स ऑफ दी सब्सटेंस अब्यूज़. तो जब आप सब्सटेंस अब्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ ही पढ़ लीजिएगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो. लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनता नहीं है. ओके, यूनिट नंबर टू है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद पर्सनैलिटी एंड सेक्चुअल डिसऑर्डर. तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमेशा बन के आता है आपका डिफाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ दी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सप्लेन वन ऑफ देम. इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है. प्लस जो मैंने लिखा है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है पहले से ही. डैट इज डिफाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एनलिस्ट द ट्रेट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डेवलपमेंट. ओके, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इस तरह से क्वेश्चन पहले आ चुका है तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर में इसको देखा है. नेक्स्ट शॉर्ट्स की बात करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन इसी का शॉर्ट क्वेश्चन सेक्चुअल डिसऑर्डर. ठीक है, तो सेक्चुअल डिसऑर्डर भी आ सकता है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है. नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 3, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स अकरिंग ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस. ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात कर लें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा इस यूनिट से बन के आता है, दैट इज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा हमेशा देखने को मिलेगा. चाहे आप शॉर्ट की बात कर लो, 5 मार्क्स की बात कर लो, चाहे आप 10 मार्क्स की बात कर लो, आपको ये दोनों हमेशा देखने को मिलेंगे. हालांकि ईटिंग डिसऑर्डर में आपके कई सारे हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके यही दोनों हैं. तो इन दोनों को तो आप पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा. ओके, तो ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है. एनलिस्ट द ईटिंग डिसऑर्डर. ठीक है, टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, एक्सप्लेन वन ऑफ देम, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो ये पढ़ के चले जाएगा. जब आप ये पढ़ लेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिकली आप डिटेल में खुद ही पढ़ के चले जाओगे. इसके अलावा है आपका MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना है. इसके अलावा IQ की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 मार्क्स में आ सकता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर. ठीक है, ओके. शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें क्या आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिलीरियम एंड डिमेंशिया. दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ये आपका 2 से 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, दूसरा देख लेते हैं, साइकोसिस न्यूरोसिस, ये कई बार देखने को मिला है. ओके, इसके अलावा हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, ये भी कई बार देखने को मिला है. ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है ये, पढ़ के जाइएगा. लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपको मेनली नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा. एटलीस्ट सबके लिए 10-10 डिफरेंस पढ़ के जाइएगा जिससे कि अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो आप उसे परफॉर्म कर सको. नेक्स्ट है आपका साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्राइसिस इंटरवेंशन. वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये. ठीक है, क्वेश्चन इससे बन के आता ही आता है. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका साइकेट्रिक इमरजेंसी, इट्स टाइप्स, नर्सिंग मैनेजमेंट विद अ पेशेंट विद सुसाइडल रिस्क. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका. क्राइसिस इंटरवेंशन पहले हमारे टाइम पे बहुत आता था ये क्राइसिस इंटरवेंशन, अभी भी ये ट्रेंड में है, तो ये आप पढ़ के जाइएगा. इसकी टेक्निक क्या है, नर्सेज रोल क्या है. नेक्स्ट आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 6, डेट इज़ लीगल इश्यूज़ इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग. शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बन के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बहुत कम आता है. ठीक है, तो राइट्स ऑफ द मेंटली इल पेशेंट इंपॉर्टेंट है. मेंटल हेल्थ एक्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन पेपर में देखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है. नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली इल या सॉरी मेंटली हेल्दी पेशेंट. ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन मेंटली हेल्दी है. ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं बहुत सारे. इसके अलावा मेंटल
हेल्थ एंड मेंटल इलनेस की डेफिनेशन आ सकती है, ये आपका 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन की भी डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ साइकेट्रिक नर्स, ये भी कभी कदार आ ही जाता है, एंड फॉरेंसिक साइकेट्रिक भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। राइट डाउन द एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस या प्रोसीजर फॉर द साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए ये। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 7, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देख लेते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो शॉर्ट कौन से क्वेश्चन हैं, सेम इसी का आपका डेफिनेशन भी आ सकती है, 2 से 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रिवेंटिव साइकियाट्रिक भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आ जाता है कभी कदार। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इशूज़, कौन कौन से इशूज़ इस टाइम पर चल रहे हैं, करेंट ऐसे भी आ सकता है कि करेंट इशूज़ इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, या मेंटल हेल्थ नर्सिंग इशूज़, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन कम्युनिटी, ठीक है। तो आपको मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके आगे मैंने इम्पॉर्टेंट लिख दिया है, बाकी इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। अदर क्वेश्चंस जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इधर उधर से देखे हैं, डैट इज़ EPS, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, कॉम्प्लिकेशंस, एनजाइटी डिसऑर्डर्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एनजाइटी, मूड स्टेबिलाइजर, नर्सेज रोल, ओके। सुसाइड तो पहले भी आपको बता चुकी हूँ। स्पीच डिसऑर्डर बहुत कम देखने को मिला है, फिर भी पढ़ लेना। मैस्लोस हायरार्की नीड्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट, ओके। तो ये थे हमारे MHN सेकेंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BSc नर्सिंग 6th semester स्टूडेंट, ठीक है। और कोई वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।